ये बिलासपुर से पहले है और धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं इस टाइम कैसे धुंध पड़ रही है दिसंबर में। अभी हम बिलासपुर से पहले है और धुंध है यहाँ पे, तो हल्की हल्की, तो धीरे धीरे करते हैं ये सफ़र भी। और टाइम हुआ है 5:30 और सब सो गए हैं। एक अकेला मैं ही जाग रहा हूँ। अब ट्रक से आगे कैसे निकाले कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इधर मारे क्या करे, नहीं अब निकाल देते हैं आगे, अब कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम रात को सफ़र किया है, नहीं तो दोस्तों के साथ तो मैंने तकरीबन किया है, तो ये भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। बस ये है, फैमिली के साथ चलते हैं तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, गाड़ी सेफ चलानी पड़ती है, ज़्यादा स्पीड में नहीं। और जो मैंने स्पीड है वो तकरीबन 80, 100 या 110 तक रखती है, इससे ऊपर मैं नहीं गया, 110 से ऊपर। हमारा सफ़र 5 घंटे का और दिखा रहा है मैप में, 5 घंटे का। अगर यही हाल रहा तो शायद 6 घंटे भी लग जाए। सुबह हो गई है, सुबह के अभी बचे 7 और हम मंडी से पहले हैं। और वाइफ कह रही थी कि कुत्तों ने रात भर से कुछ नहीं किया है तो उनको रोक लो, कुछ करा लेते हैं। मैं कहा किया तो किसी ने भी कुछ नहीं है, तो अब हम भी रुक के हम भी थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। और ये देख लीजिए आप, सुबह सुबह और काफ़ी ठंड है आप, ये देख लीजिए। और ये मंडी से पहले है, मंडी से होगा 20-21 किलोमीटर पहले। और धुंध मिली हमें बिलासपुर से पहले से लेके अब तक। ये रष्टि है, ये अभी पोटी करने की सोच रहा है, कर ले बेटा कर ले कर ले बेटा, सुसु जल्दी रष्टि। एस हान कैसा लग रहा है बेटा, रोड से इधर आन, रोड से इधर, क्या ठंड लग रही है आपको? तो चलो आप गाड़ी में बैठो, डॉगी सुसु पोटी कर लेते हैं फिर उनको भी लेके आते हैं। ये अभी पेट्रोल डलवा रहा हूँ मंडी में, सोच रहा हूँ यहाँ टैंक फुल करा लूँ, लेकिन यहाँ स्पीड नहीं है, नॉर्मल है। और उसका प्राइस है 94.94। आहान अंदर मस्ती कर रहा है कुत्तों के साथ। आहान ये देखो, ये बेड लगाया हुआ है और ये आहान आराम से बैठा हुआ है डॉगियों के साथ। आहान आप क्या कर रहे हो, फ़ोन में पढ़ाई है, कुछ और कर रहे थे ना, चीटिंग। चलो आप बैठो, मैं पेट्रोल डलवा लूँ। भाई बाहर निकाल के टैंक फुल कर दो, हाँ बाहर निकाल के टैंक फुल, बिल्कुल बाहर निकाल लो, और पाइप कट नहीं लगेगा। कट नहीं लगेगा। ये 3,000
60 रुपये का तेल आया है टैंक में भाई। ठीक आ गया तेल है, सही आ गया ना। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और आन तो तैयारी पे है ब्रेकफास्ट करने के लिए। आन क्या खाओगे? आलू पराठा और पापा का प्याज पराठा। क्यों? और ये मंडी से आगे है होटल, तो यहाँ पे हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए कि थोड़ी पेट पूजा भी कर लेते हैं। और यहाँ से वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये होटल है, छोटा होटल है, ठीक है। और इसके पीछे का व्यू देखिए कितना अच्छा है, ये सामने पहाड़ और वो पीछे वो नदी। पीछे का व्यू तो बहुत अच्छा होटल के, लेकिन आगे का व्यू इतना खास नहीं है क्योंकि रोड है ना मेन। पीछे में तो ये खेती बाड़ी हो रही है और वो सामने आपको नदी है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये नदी है, काफी अच्छा है ना पीछे का। ये कुल्लू से पहले हम रुके हुए हैं और यहाँ से व्यू देखिए कितना अच्छा है, नीचे नदी बह रही है और ये सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़। और आहान अभी अपना एग्जाम दे रहा है गाड़ी में बैठ के, तो गाड़ी हमने रोकी हुई है क्योंकि वो चेक कर रहा है। और मेरा बड़ा दिल था कि जल्दी से जल्दी गुड़गांव से निकलो और यहाँ पे आऊँ। यहाँ की जो फ्रेश हवा है और काफ़ी अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा लगता मुझे तो। और कुछ ये जो सामने का व्यू देख के ये तो और ही कहते जन्नत में आ गए हैं। तो अब 4 दिन यहीं पे है जन्नत में और देखते हैं ने अपना एग्जाम दिया या नहीं दिया। आहन ने अभी एग्जाम, आहान ने अभी एग्जाम नहीं दिया, आहान के इन्होंने एग्जाम अपना दे दिया है इन दोनों ने। तो आहान को एग्जाम देने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये अब हमने सैंजवे तीर्थन घाटी में आपका स्वागत है उसमें एंट्री कर ली है और अभी हमारा जीबी है यहाँ से 28 किलोमीटर और जलोड़ी पास है 40 किलोमीटर, तो हमें जीबी जाना है। और ये रोड है जीबी का, काफ़ी अच्छा रोड है और ये नीचे नदी बह रही है। जाऊं बच्चों मैं नीचे नदी में? हाँ जाऊं मैं नीचे? क्यों यार? पापा का तो दिल कर रहा है यार जाने का, देखना कितना अच्छा लग रहा है यार। तुम लोग तो कहीं जाने भी नहीं देते हो मुझे, है ना? चोट लग जाएगी। अरे बेटा मुझे नहीं लगेगी, मैं नीचे अभी होके आया 2 मिनट में, देखना ये रास्ता है कितना अच्छा रास्ता है। इधर हो जा बेटा, साइड में। ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कितना किलोमीटर कौन कौन सा है, ये चेक कर लीजिए ये सारा। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ भी, बहुत अच्छा।